सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी व्हाट्सअप पर किसी को भी कुछ मैसेज करते हो, सिर्फ सिंगल ट्रिक आती है तो यहाँ पर आपको वो दिक्कत आती है, तो आप इस दिक्कत को कैसे सही कर सकते हो, यानी कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती क्यों, यहाँ पर मैं आपको दिख देता हूँ। दो कारणों से आ सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको व्हाट्सअप आना है, थ्री लाइन पर क्लिक करके सेटिंग वाला आइकन पर दबा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का, इस पर आपको क्लिक करना है। लाइव सीन है, ऑनलाइन है, जिसमें आपको एवरीवन या आप किसी को शो कराना चाहते हो, यहाँ पर नो वीडियो वगैरह होगा तो यहाँ से आप एक बार एवरीवन करके देख लेना। उसके बाद आपको बैक जाना है। अब यहाँ पर आपको मैसेज करके देखना है, फिर भी सिंगल टैप आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, थोड़ा सा बस आपको वेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग को डायरेक्टली ऑन कर सकते हो, चले जाना। उसके बाद सर्च पर आपको सर्च करना है ऐप मैनेजमेंट आपको सर्च करना है, उस पर सिंपल क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऐप मैनेजमेंट वाला आइकन पर क्लिक करना है, सर्च पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लिखना है व्हाट्सअप, सिंपल व्हाट्सअप पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजर्स का, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लियर डाटा आएगा तो क्लियर कैच कर देना है, बैक जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा यूजेस, इस पर क्लिक करना है। ये दोनों ऑप्शन अगर आपके ऑन है तो इनको ऑफ कर देना है, डिसेबल मोबाइल डाटा, डिसेबल वाईफाई, ठीक है। उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, यहाँ पर आपके डबल टिक आने लग जाएंगे। यहाँ पर आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।